कल राहुल गांधी का बयान सुन के बहुत ही दुख होया, इतना अफसोस होया कि 40 साल होन तो आए ने, लेकिन इस गांधी परिवार दा 40 साला विच एक भी पश्चाताप दा शब्द, माफी तो छड़ो पश्चाताप दा शब्द भी सुनन नू कन तरस गए ने। ते जद मौका मिलिया कि जेड़ा राहुल गांधी कहंदा मैं एक अपने आप नू नवा री इनवेंट कर रहा है दुनिया ते देश च, मैं फिर के लोकां दी मैं उना दे हालात देख रहा है, उना दी तकलीफा देख रहा है। मैं तो आस कर दी सी कि दिल्ली दी जेड़ी विधवा कॉलोनी है अपनी यात्रा उहदे विचों भी लैके जाऊगा, क्योंकि दिल्ली तो रहन दे बावजूद कदे उस पासे तुरिया ही नहीं। लेकिन जब सवाल पुछया गया कि तुसी पंजाब च आए हो ते दरबार साहब च नतमस्तक होए हो, उत्थे कंध हैगी जिथे थोड़ी दादी ने गोलियां दे नाल साडे धार्मिक स्थान नूं छली कीता, जिस धार्मिक स्थान च अज भी गुरु ग्रंथ साहब जी मौजूद ने, जिथे गोलियां दे नाल साडे गुरुआं दे उत्ते वार इहदी दादी ने कीता सी। दस्तार ते बन लिती, ड्रामा ते कर लिया, लेकिन उहदा पश्चाताप, उहदा दुख, उहदी माफी दा इक शब्द, ते किन्ना दुख होया कि बंदे दे अहंकार देखो, इहदी सिखा प्रति सोच देखो। कहिंदा उह तां मनमोहन सिंह ने कह लिया जो कहना सी, मेरी माता ने कह लिया, राहुल गांधी जी सिखा दे कन तरस गए ने गांधी परिवार तो कुछ सुनन वास्ते। थोड़ी माता ने कहा कि मैनू नहीं लगदा कि देश विच कोई सिख जानदा है, असी तां नहीं जानदे, जरा सानू सुनाई दो तुहाडे माता ने किहड़ी माफी दे शब्द पिया सीगा। ते जिथे ताईं मनमोहन सिंह जी दी गल है, ओ गांधी परिवार दे हैगे जी, कि उहनां ने टैंका तोपां दे नाल आर्डर दित्ते सीगे, कि उहनां ने कतलेआम कराए सी। शब्द तां साडे कन्न च ओही गूंजदे ने कि जब वड्डा दरख्त गिरदा ते धरती हिलदी है, किन्ने कहा सीगा, लखा साडे भरावां दे कतलेआम गलां च टायरा पा पा के साड़िया गया, निके निके बच्चे तक भी नहीं छड़े तुसी, औरतां दे नाल की कीता गया। मैं तां उहनां कैंपां च काम कीता है, अपनी अखी सारा कुछ देखिया, हंडाया भी हैगा, तुसी तां हथ धोते ना कि मैं तां छोटा बच्चा सी, मैनूं तां पता ही नहीं, हुण तां छोटे बच्चे रहे नहीं, विधवा कॉलोनी च जाके पुछ लो। माड़ा ही जी माफी जे मंग लैंदे ना, शायद मलम लग जांदा उहनां विधवावां दा जिन्हां 40 साल हो गए इंसाफ दी लड़ाई लड़दे हुए। इंसाफ तां की देना सी, कदे कतल करान वालिया नूं कमलनाथ मुख्यमंत्री बनता है, कदे जगदीश टाइटलर मनमोहन सिंह दी कैबिनेट च वजीर बनता है, इन्हां नूं तां सज्जन कुमार वर्गिया ते टाइटलर वर्गिया तुसीं निवाजते रहे हो। ते तुहाडे दिल च सिखां प्रति किन्ना सारा, किन्ना तुहाडे साडे खिलाफ, पंजाब खिलाफ की कुछ भरिया होया है, 40 साल बाद भी इस गांधी परिवार दे खून च नफरत किहो जी वगदी है, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਗ ਜਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲੇ ਦਸਤਾਰ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਯੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ, खास तौर ते एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिन्हों तक पानी च डुब मरना चाहिदा है, दसम पिता दी सजाई हुई दस्तार कहिंदा राहुल गांधी करके मैं पाई हुई है, शर्म आनी चाहिदी है, शर्म। मैं राहुल गांधी नूं कहनी आ, जरा आप दे मां ने जिहड़ी बयान सोनिया गांधी जी ने दिते ने सुना तां दे सानू, असीं सुनिए तां सही कि कित्थे इस परिवार ने माफी दा एक लफ्ज तक किया हैगा। 40 साल तो जिहड़े दुख नूं हंडा रही है कौम, ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਣ ਅਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਣ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਤਾਈ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਦਰ ਦਰ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਜ ਤਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤਾਈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤਾਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ।